हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सैजाद खान फ्रॉम टैगोर स्कूल परबस्तर एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ 8th क्लास। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन और एग्जाम्पल 11th है वो सॉल्व किया था। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज पर्सनावली 2.2 का एक बार हम उसका रिवीजन करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन अपने समीकरण से रिलेटेड है, क्वेश्चन को हमें रीड कर पढ़कर हमें इनसे समीकरण बनाने हैं और फिर हमें जो है समीकरण को हल करना है, और जो संख्या पूछी जाए या जो कुछ भी हमें इसमें पूछा जाए क्वेश्चन में वो हमें याद करना है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है जो दिया गया है वो अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन जो नहीं दिया गया है जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे हम किसी भी चर के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पर है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो जो प्राप्त हो रहा है वो बराबर में लिखा जाएगा, यहाँ 1/8 प्राप्त हो रहे हैं बराबर में लिखेंगे। अब ये कह रहा किसी संख्या से, तो वो संख्या हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, किसी संख्या से तो हम कुछ भी मान सकते हैं उसकी जगह के, माना कि वह संख्या एक्स है तो x मान ली, उसमें 1/2 घटाने और परिणाम को फिर 1/2 से गुणा करने पर, तो इसको हमने सोल्व किया था तो हमने माना कि वह संख्या x है, तो अभी x है तो फिर x मानी, तो इसमें कहा गया किसी संख्या से, तो वो संख्या हमने x मानी 1/2 से 1/2 घटाने पर, तो इसमें से हमने 1/2 घटाया और जो परिणाम आया x अपॉन 1 माइनस 1/2 करने पर जो परिणाम आया है उसको 1/2 से गुणा करने पे, तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 1/8 प्राप्त होता है, तो ये 1/8 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने समीकरण बनाया। तो यहाँ पर वह संख्या जो मानी x है, तो यहाँ पर संख्या निकालनी है तो हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो इस तरह हमने इसको सोल्व किया और x का मान आया 3/4। तो हम कह सकते हैं वह संख्या जो है 3/4 है, जिसमें से 1/2 घटाने और फिर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो ये जो है समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम इसमें हल्की जांच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, यदि इसका क्षेत्र परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार है, तो जब आयताकार कोई भी आकृति है तो उसमें हमें आयत के जो सूत्र है परिमाप और क्षेत्रफल के वो याद होने चाहिए। तो परिमाप के सूत्र से, क्योंकि इसमें परिमाप दिया है, परिमाप के सूत्र से ही हम लंबाई और चौड़ाई पता कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर क्या दिया है और क्या नहीं दिया गया। जो नहीं दिया गया उसे हमें मानना है और जो दिया गया, तो यहाँ पे देखिए तरण ताल, आयताकार तरण ताल की लंबाई, लंबाई के बारे में कहा गया कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो लंबाई के बारे में पता है अपने को, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, तो यहाँ पर चौड़ाई के बारे में हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि माना कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि चौड़ाई x मीटर है। x मीटर मानी हमने, तो लंबाई के बारे में हमें कहा गया, क्वेश्चन में बताया गया है लंबाई के बारे में, इसमें दिया गया है कि लंबाई कितनी है, यहाँ पर लिखा गया लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई क्या मानी हमने, x, तो x का दुगना, तो लिखेंगे x का दुगना, तो x का 2 गुना, तो x का 2 गुना और उससे भी 2 मीटर अधिक, तो अधिक होती है उसे जोड़ते हैं, 2 मीटर अधिक है, तो ये इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तो x का 2 गुना हो गया 2x और उससे भी 2 मीटर अधिक यानी +2 मीटर, तो ये आ गई लंबाई। तो यहाँ हो गई चौड़ाई हमने x मानी और लंबाई के बारे में कहा कि चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, तो चौड़ाई x मानी तो x का दुगना 2x और उससे भी 2 मीटर अधिक। तो इस प्रकार हमने लंबाई भी पता की है, चौड़ाई भी पता की। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है इसका परिमाप, तो परिमाप 154 है, तो हम लिखेंगे कि आयताकार, यहाँ पर हमारे पास जो है इसका परिमाप भी है, आयताकार
आयताकार तरण ताल तरण ताल तरण ताल का परिमाप। तो परिमाप भी यहाँ पर दिया हुआ अपने पास 154 मीटर। यहाँ पर जो है परिमाप भी अपने पास है, तो परिमाप दिया है तो परिमाप के सूत्र से ही हम जो है यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई पता करेंगे। तो परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप, जो होता है आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र हमें यहाँ पर लगाना है, तो आयत का परिमाप होता है 2 × (कोष्ठक) लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। तो आयत के परिमाप के सूत्र से लंबाई चौड़ाई पता करेंगे, x का मान पता करेंगे, x आएगी वो चौड़ाई हो गई, और तो लंबाई पता करना होगा चौड़ाई का दुगना करके उसमें 2 ऐड कर देंगे। तो आयत का परिमाप है यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में 154, तो आयत के परिमाप के नीचे हम 154 लिखेंगे क्योंकि परिमाप यहाँ पर 154 दिया हुआ है। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई लंबाई यहाँ पर दे रखी है 2x + 2, फिर प्लस चौड़ाई है यहाँ पर x, हमने मानी है चौड़ाई x, तो x लिखेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हल करेंगे, तो 154 राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई ये 2x और ये 1x, तो टोटल हो गई यहाँ पर हम देखेंगे 3x + 2। तो x समान पद में जुड़ेगा, तो 1x और 2x हो गए 3x। अब यहाँ एक पद है या दी पद है, तो 2 को पहले 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे, एक पद को द्विपद से गुणा करने का। तो 154 = पहले 2 को 3 से करेंगे तो आएंगे 2 × 3 = 6x, एंड फिर 2 को 2 से 2 × 4 = 2, 2 = 4। तो यहाँ पर हम पहले 4 का ट्रांसफर करेंगे, x के साथ 6 है, 6 के साथ x है, तो इसका बाद में करेंगे। तो 4 का ट्रांसफर करेंगे बाएं पक्ष में, तो ये प्लस में जो है माइनस में बदल जाएगा, तो 154 ये 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 154 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 = 6x। अब 6 का ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं x = 115/6, तो 6 से डिवाइड, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो गया, तो 6 से डिवाइड करेंगे 6 × 2 = 12 एंड 6 × 5 = 30, 25। तो x का मान आ गया अपने 25, और x जो हमने मानी थी वो थी लंबाई, सॉरी चौड़ाई। तो चौड़ाई यहाँ पर आ गई अपने पास, चौड़ाई हम लिखेंगे कि चौड़ाई है 25 मीटर, चौड़ाई अपने पास 25 मीटर है। तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई हमने पहले निकाली है कि चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, तो चौड़ाई है ये अपने 25, तो 25 का दुगना तो 2 से गुना, और उससे भी 2 मीटर अधिक, तो यहाँ पर आएंगे 25 × 2 = 50 एंड 50 + 2 हो गए 52 मीटर, तो 52 मीटर। तो यहाँ पर लंबाई आएगी 25 मीटर, और सॉरी चौड़ाई आएगी 25 मीटर और लंबाई होगी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, जैसे क्वेश्चन में कहा है लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, यानी 52 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होगी। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड को भी हमें अच्छी तरह रीड करना है, और फिर उसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें जो दिया गया है वो हमें याद करना है। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ है यहाँ पर, और उसका परिमाप दिया गया है, और उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप पूछी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम तीसरे क्वेश्चन का, तो तीसरे का सॉल्यूशन करेंगे हम। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है अपना इस प्रकार का होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज है अपना जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा हम कहेंगे बराबर, और आधार ये नीचे की जिस भुजा पर त्रिभुज टिका होता है उसे आधार भुजा कहते हैं, तो ये 4/3 cm है, और इसका परिमाप यानी इसके एक चक्कर की दूरी यानी परिमाप दे रखी 4/2/15 cm। तो यहाँ पर 2 बराबर भुजाओं की जो है माप पता करना है, तो हम दी नहीं है तो हम मानेंगे, माना कि 2 बराबर भुजाओं का माप 2 बराबर भुजाओं का माप
एक्स सेंटीमीटर है, तो एक्स सेंटीमीटर हमने मानी, तो ये भुजा भी एक्स सेंटीमीटर और ये भुजा भी एक्स सेंटीमीटर, दो बराबर भुजा है, बराबर है, तो ये 2 सेंटीमीटर आएगी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो हमने एक्स मानी एक, तो दूसरी भी एक्स आएगी। तो यहाँ पर जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो इसका परिमाप भी दिया हुआ है अपने को, तो यहाँ पर लिखेंगे जो है परिमाप, तो परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है अपने को इसका 42/15 सेंटीमीटर। तो परिमाप दिया है, तो परिमाप के सूत्र से ही हम जो है इसकी दो बराबर भुजाओं की माप निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू समान भुजा प्लस तीसरी भुजा, तो 2 इंटू समान भुजा प्लस तीसरी भुजा। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो परिमाप की जगह परिमाप लिखेंगे 42/15 = 2 फॉर्मूले के। समान भुजा, तो समान भुजा हमने मानी एक्स, तो एक्स राइट करेंगे यहाँ, प्लस तीसरी भुजा, तीसरी भुजा इसमें दे रखी है अपने आधार भुजा 4/3, तो यहाँ पर तीसरी भुजा लिखेंगे 4/3 और इसको सोल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर मिश्र बिन है, मिश्र बिन को बिन में कन्वर्ट करेंगे, तो 15 को पहले 4 से गुणा करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो अंश है वो ऐड करेंगे, तो 15 4 60 60 2 62/15 हो जाएंगे ये, और इधर जो सोल्व करेंगे 2 को x से किया 2x + 4/3। अब संख्या का संख्या की तरफ पक्षांतर करेंगे 2x के साथ, तो 4/3 का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पे ये प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाए, यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x इधर भी लिख सकते हैं, तो 52/15 है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4/3, ये बाएं पक्ष में आएगा इक्वल टू राइट साइड में रहेंगे 2x। यहाँ पर वज्र गुणा विधि द्वारा हम यहाँ पर सोल्व करेंगे 62 को 3 से एंड 4 को 15 से एंड हर को हर से, तो 3 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 एंड 3 6 18 एंड 15 4 16 एंड हर को हर से करेंगे 15 3 45 एंड नेक्स्ट 2x लेफ्ट राइट साइड। अब 186 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएंगे 126/45 = 2x। अब यहाँ पर हम इसका ट्रांसफर करेंगे 2 का, तो गुणा में भाग में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x = 126/45, तो 2 गुणा में नीचे भाग में 45 के पास जाएंगे, 2 से डिवाइड किया 126 को, तो 63 टाइम एंड 63/45, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, दोनों को 3 से करेंगे और 9 से भी हो रहे हैं तो 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 7 = 63 एंड 9 5 = 45, तो 7/5 सेंटीमीटर। तो 7/ तो x का जो मान आया है अपने पास, x का मान है 7/5 सेंटीमीटर, या हम इसको मिश्र बिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 × 5 5 × 2 7, तो 12/5 सेंटीमीटर। तो x का मान, तो x है समान भुजा, तो उसकी दो क्वेश्चन में पूछा है कि दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे कि दो बराबर भुजा की माप आएगी 12/5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपना त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है, तो ये 4/3 आई है अपने सेंटीमीटर, और ये आएगी 7/5 सेंटीमीटर, और ये भुजा भी आएगी 7/5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपना, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी हमें अच्छी तरह इसको रीड करना है और फिर समीकरण को जो है समीकरण बनाना है इसे। तो क्वेश्चन को समझना अपने को अच्छी तरह के, दो संख्याओं का योग 95 है
यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक, एक संख्या तो एक के बारे में पता है, दूसरी का पता नहीं है, ये पहली संख्या यानी एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है लेकिन जो दूसरी है उसका पता नहीं, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का हमें यहाँ पर पता है। तो यानी कि समीकरण बनाते हैं तो सीधी सी हम कह सकते हैं दो संख्याओं का योग, तो यहाँ पर हम कहेंगे यदि कहें कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इन दोनों का योग 95 है, यहाँ पर 95 दिया हुआ है, सीधे से हम बता सकते हैं। तो एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, एक संख्या, तो ये कह सकते हैं ये जो संख्या है एक संख्या, ये जो दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या हम ये कहें डी, यानी डी से 15 अधिक है, तो ये डी से 15 अधिक है तो डी हमें मानना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो है कि मानना कि दूसरी संख्या, तो हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन कर रहे हैं कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ अपने पास, दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग यहाँ पर अपने पास है 95। अब इसमें माना कि दूसरी संख्या क्या है, माना कि दूसरी संख्या, तो माना कि दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या के बारे में क्वेश्चन में दिया गया है, तो पहली संख्या के बारे में दिया गया है एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दूसरी हमने क्या मानी, x मानी, तो पहली कितनी हुई, दूसरी से 15 अधिक यानी x प्लस 15, और दोनों का योग 95 दिया गया है, तो इन पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ेंगे, इनका योग 95 है, तो अपना समीकरण कंप्लीट हो गया। तो x प्लस 15 इक्वल टू 95, ये हो गई अपने पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या योग 95, तो हमने समीकरण में लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है, एक एक्स और एक एक्स हो गए अपने 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब हम ट्रांसफर करेंगे पहले 15 का, इधर रहेंगे 2x, तो 15 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, तो 95 माइनस 15, प्लस में थे 15, जैसे दाएं पक्ष में भेजेंगे माइनस में चला जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो 2x बराबर हम घटाएंगे 0, 9 में से बन गए 8, एंड अब 2 का ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू गुणा में भाग में चला जाएगा, तो 18/2 इक्वल टू 40, तो 40 x हमने मानी थी, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी संख्या x हमने मानी थी दूसरी संख्या, और पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक, तो इससे 15 अधिक दूसरी आ जाएगी पहली संख्या, तो दूसरी संख्या तो अपने पास आई है, देख सकते हैं कि दूसरी संख्या जो प्राप्त हुई है वो है अपने पास 40, और पहली संख्या के बारे में कहा गया है कि पहली संख्या कितनी है, दूसरी से 15 अधिक, तो दूसरी थी हमें प्राप्त की 14, दूसरी संख्या 14 प्राप्त की इससे 15 अधिक, तो 15 अधिक तो कितने हो गए, यहाँ पर देख सकते हैं 55, तो यहाँ दूसरी संख्या आएगी 45 और पहली संख्या आएगी 55, इन दोनों का योग कहा गया क्वेश्चन में 95 होते हैं, तो इनको जोड़ के देख सकते हैं 40 एंड 55 95 होते हैं, तो इस प्रकार अपना जो समीकरण का क्वेश्चन है वो एकदम राइट है। इसी प्रकार जो हम है पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह केयरफुली हमें रीड करना है और फिर हम इसके सॉल्यूशन समीकरण बनाकर हम इसको सोल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ने पर हमें ये पता लगाना है कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया गया है, जो नहीं दिया गया है उसे हमें एक्स वाई जेड या कोई भी चर के रूप में उसे मानना होता है और फिर हम उसे सोल्व करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, अब यहाँ पर अनुपात का यूज किया गया है, अनुपात दिया गया है, यदि उनमें अंतर 18 है तो अंतर दिया गया है 18, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पहले चौथे में तो हमें संख्या का योग दिया हुआ था, लेकिन यह दो संख्या में अनुपात दिया हुआ है, अनुपात का मतलब कि पहली और दूसरी संख्या 5:3 के अनुपात में है, यानी कि एक जो है दूसरे से कितना गुना या कितना गुनी कम या ज्यादा है इसके बारे में ये बताया गया है। तो जब अनुपात दिया है तो हमें जो है ये मानना है कि दोनों संख्या का अनुपात है, तो हम ये मान सकते हैं कि पहली संख्या जो है x के रूप में मान सकते हैं, दूसरी संख्या भी है वो x जो है संख्या x मान सकते हैं, तो पहली संख्या 5 गुनी x की और दूसरी है वो 3 गुनी है,
और फिर हम उसका अंतर भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम इजीली जो है समीकरण बना सकते हैं। तो आज का जो होमवर्क है अपना, आज के होमवर्क में हमें प्रश्नावली जो अपने हैं प्रश्नावली 2.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो हमें होमवर्क में कंप्लीट करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे।